कई दिनों के बाद यहाँ मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम। मतलब दो दिनों से यहाँ कंटिन्यू मौसम बिल्कुल शांत है, नहीं तो यहाँ पे इतनी गर्मी होने लगी थी। ये देखो मौसम अच्छा है आज बड़ा। और अभी मैं फिर अपने स्टूडियो के सामने से गुजर रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिन तो क्या, काफ़ी महीनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। और आज मैंने सोचा कि ब्लॉग बना ही देती हूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरे दिन तो नहीं बोल ही सकती हूँ मैं, महीनों से ही मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था बिल्कुल, मैंने बनाया नहीं। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर टाइम भी नहीं लगा, काफ़ी चीज़ें थी तो मैं इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मैं थोड़ा सा इसलिए स्लो बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ के अभी आई हूँ बालकनी में और पी रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है और सुबह सुबह उठ मतलब उठी हूँ मैं, अभी 6:30 हो रही है। और जैसे कि आपको पता है मेरे क्लास का टाइम है, मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ तो इसीलिए। और यहाँ पे ना कई दिनों से यार, पता नहीं आप लोगों के साइड भी हो रहा होगा, कई दिनों से क्या लगा लो मार्च के आधे महीने से और ये अप्रैल का महीना चल रहा अभी तक ठंड बहुत तेज होने लग गई है। पहले तो मतलब आप लगा लो मार्च आधे मार्च में तो गर्मी होने स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पता नहीं 2 हफ्तों से लगातार कंटिन्यू शाम को या फिर मॉर्निंग में यहाँ बारिश आ रही है और ठंडा सा हो गया वेदर। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ मॉर्निंग का। तो ये देखिए आप लोग, ये है सुबह सुबह का वेदर गुड़गांव का। धुंध लगी है, अप्रैल का महीना चल रहा है और धुंध देखो कितनी लगी हुई है। और आज है 5 तारीख, लग रहा है आपको देख के कि अप्रैल के महीने में इतनी ठंड हो सकती है, हवा चल रही है ठंडीदार। तो चलो हम पीते हैं अपना ड्रिंक क्योंकि फिर मेरे को जाना भी है और आज है हमारा बॉलीवुड सेशन, तो बस लेट नहीं करते हैं और आपको मिलूंगी मैं थोड़ी देर बाद जब मैं वहाँ से आ जाऊँगी वर्कआउट करके। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में, काफ़ी दिन बाद आप लोग के लिए ब्लॉग लिख के आई हूँ तो कुछ तो दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोग बोल रहे हो कि इनके मुंह पे क्या हो गया, ये और ये साइड, पता नहीं मेरे को क्या रिएक्शन हो जाता है, मतलब मैं कुछ भी फेस पे लगाती हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले अपना फेशियल करा था तो ये ना क्रीम ब्लीच की वजह से शायद मुझे हो जाता है, लेकिन हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक। मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है बट हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक। चलो आ चुकी है ट्रेन, ट्रेन की ज़्यादा आवाज़ आने से पहले ड्रिंक फिनिश करते हैं और चलते हैं, मिलूंगी आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी मैं हो चुकी हूँ ऑल सेट रेडी जाने के लिए और टाइम आप लोग देख सकते हैं, मेरी घड़ी थोड़ा 5 मिनट लेट है, बस अब 10 मिनट ही बचे हैं मेरे पास। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा जो क्लास है, मतलब जहाँ मैं एक्सरसाइज करने वर्कआउट करने जाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों में पोछा लगा देती हूँ, लगा रही पोछा। ये देखिए किसके साथ ऐसा होता है, देखो यहाँ बाल ही बाल आपको दिख रहे होंगे, मेरे बाल आजकल बहुत टूट रहे हैं तो मैंने कहा लगे हाथों पोछा लगा दूँ और इनको मैंने उठा दिया, ये जा रखे हैं अभी बाहर। तो चलो फटाफट पोछा वगैरह मार देते क्योंकि बाद में टाइम लगता है, ये लोग बैठ जाते हैं अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। सो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं वर्कआउट करके और अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं 8:30 होने वाली है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं बनाया, मतलब कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मैंने कहा पहले नहा नुहा लेती हूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ और आप लोगों ने देख लिया होगा पोछा मैंने लगा लिया था घर में, मेरे को लगा यार क्यों टाइम वेस्ट करना तो पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी बस थोड़ा मेरे कुछ कपड़े यहाँ पे ये हैं जो धोने वाले हैं, तब तो पहले मैं नहा जाती हूँ। बाकी दोस्तों पूजा वूजा हो गई है मेरी और अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, इधर दूध गर्म हुआ है हमारा तो अभी कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, पोहे बना रही हूँ अब और दाल रख दूंगी दिन के लिए। बाकी पहले तब बनाती हूँ पोहे वगैरह, पहले सफाई कर लेती हूँ क्योंकि इतना ज्यादा गंदा हो रहा है नीचे वाला फ्लोर, क्या ही बताऊँ। तो आप लोग कितना फलेरा मचा हुआ है, पहले यहाँ समेटते हैं उसके बाद हम करेंगे आगे काम अपना। तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पोहे, पोहे की हो चुकी है तैयारी, मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी हैं, ये पकेंगी तो मैं इसमें पोहे डालूंगी। तो ये है हमारा पोहा जिसे मैंने धो दिया है। तो चलो पहले मैं बना लेती हूँ चटनी, धनिया की चटनी। The next day. तो अभी हम लोग आए हुए हैं, शिवांश कहाँ आए हम? कहाँ आए हम? ओम सीट, यस। हम ओम सीट में आए हैं
और आज दूसरा दिन है। कल मैंने ब्लॉग आधा स्टार्ट किया था, आज दूसरा दिन है और हम होम स्ट्रीट में आए हैं मिठाई लेने, क्योंकि आज है हनुमान जयंती तो हमें मंदिर में मिठाई चढ़ानी थी, तो इसलिए मिठाई लेने आए हैं। तो हमने सोचा जब आए हैं तो छोटा मोटा कुछ चीज़ खाया जाए, तो शिवांश भी हमारे साथ आ गया था तो शिवांश को भी खिलाते हैं। आपके लिए ताऊ जी ने क्या लिया? डोनट लिया। आपका फेवरेट है ना? तो आज है 6 अप्रैल है ना, तो आपको पता हनुमान जयंती है तो हम होम स्ट्रीट पे आए थे, हमने मिठाइयाँ ली, कुछ मंदिर में चढ़ाएंगे तो अभी थोड़ी कुछ खाएंगे पिएंगे। तो दोस्तों हम लोग होम स्ट्रीट से निकल चुके हैं और पीछे हम लोगों ने सामान रखा है, घर वालों के लिए भी बर्गर पैक किए हैं और इधर हमने मिठाई रखी है। शिवांश कैसा लगा आपको बर्गर खा के? अच्छा लगा शिवांश को बर्गर खा के, है ना? आप तो आज अमेरिका जा रहे थे शिवांश, अमेरिका से हो आए आप? शिवांश आज अमेरिका जा रहा था, क्या करने जा रहा था शिवांश अमेरिका? टोपी लेने जा रहा था शिवांश अमेरिका, है बोलो। तो बहुत जल्दी शिवांश का मुंडन भी होने वाला है, उसका व्लॉग आएगा एक अलग से, बनाने की कोशिश करूंगी पूरी की बनाऊं मैं व्लॉग, है ना शिवांश? तो बोलो सबको, बोलो मेरे मुंडन में आ जाना प्लीज, मेरे मुंडन में आ जाना प्लीज। ओके हाँ, तो सारे लोग शिवांश के मुंडन में आ जाना। और अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि 5:30 होने वाली है और मुझे वॉक पे भी जाना है, तो फटाफट चलते हैं घर की तरफ। शिवांश चाचू कहाँ गए आज? अमेरिका। चाचू कहाँ गए हैं? अमेरिका। क्यों अमेरिका क्यों गए चाचू आज? जॉब के लिए गए हैं, बोलो जॉब करने के लिए। चाचू कहाँ गए हैं? अमेरिका। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे देवर, जो छोटे वाले देवर है, वो भी अमेरिका गए क्योंकि काफी टाइम से उनकी इच्छा थी और भगवान की दया से हो भी गया उनका वहां जाना सक्सेसफुल, और कंपनी के थ्रू गए हुए हैं अभी लगभग, अभी पता नहीं 5-6 महीने कितने मंथ वहां पे रहते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। तो घर वाले सारे इमोशनल हैं क्योंकि पहली बार वो हमें छोड़ के ऐसे जा रहे हैं कितने दूर, वो भी इतने महीनों के लिए, तो कुछ इस वजह से, और ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था तो इस वजह से हमें इसको अपने साथ लाना पड़ा यहाँ पे, मतलब मिठाई विठाई, क्योंकि ये रहता नहीं है, फिर इसको ये होता है कि बंदा चले गया कोई भी तो मुझे भी साथ जाना है, तो इस वजह से हम इसको अपने साथ लेके आए। बाकी मम्मी पापा बहुत ज्यादा इमोशनल है और होना भी चाहिए यार, हम भी अगर अपने मायके से आते हैं कहीं से आते हैं हमारे माँ बाप खुद इमोशनल हो जाते हैं, तो एक लोगों की सोच ये रहती है कि एक बेटी के जाने पे माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं, बेटे के जाने पे नहीं। तो मैं ये बोलती हूँ कि बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ बाप का दिल माँ बाप का होता है ना शिवांश? माँ बाप का दिल माँ बाप का होता है ना? हाँ। तो अगर हमारा गोलू कल की डेट में अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, तो हमको भी तो बुरा लगेगा ना गोलू? हाँ। तो हम भी तो लोई लोई करेंगे ना। हाँ। तो बस यही था अपडेट, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सभी लोग इमोशनल थे तो मेरे को शूट करना अच्छा भी नहीं लगा, तो मैंने करा भी नहीं। बाकी पतिदेव भी ये है, ये भी इमोशनल हो गए थे आज, इनका भाई कई पहली बार होता है ना कि जब कोई बंदा जाता है इतने दूर तो हो ही जाता है। बाकी हमारी तो यही इच्छा है भगवान से, ये प्रेयर कि खूब तरक्की करे आगे बढ़े, है ना गोलू? और जल्दी जल्दी चाचू एक चाची ले आना, क्या बोल रहे गोलू? एक चाची भी ले आना हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। हाँ बस जल्दी से आना चाचू और हमारे चाची लेके आना। तो चलो थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को, अभी हम घर पहुँचने वाले हैं, पहले हम मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था आज है हनुमान जयंती, तो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो आने ही वाला मंदिर, एक हफ्ते बाद अपलोड करती हूँ। तो आज काफी दिन बाद यहाँ पे थोड़ा मौसम सही है, नहीं तो यहाँ पे शाम के टाइम पे दोस्तों इतनी ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी यहाँ मौसम का पता ही नहीं चलता है, तुरंत बारिश, ये तो सुबह बारिश है तो फिर शाम बारिश। तो अभी मंदिर आने वाला है, सामने पे ही मंदिर है, है शिवांश? बोलो दोस्तों। गाइस हाँ आ गया मंदिर, ये है गौरी शंकर मंदिर, तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर करते हैं पूजा पाठ। तो मंदिर पहुंच चुके हैं शिवांश जी, ये है हमारा गौरी शंकर मंदिर, जय भोलेनाथ। आ जाओ बेटा, आ जाओ शिवांश जल्दी आ जाओ, आज सूज वहीं पे रखो, वहीं पे रखो, आ जाओ चलो ताऊ जी के साथ जाओ जल्दी। जय शाइना, जय बोलना जय बोलना।
कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग सारा। प्यारे सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं पादों से विश्व भूता में, कहां है वो तेरे वादे प्यारे। दादी को जय कर दो, राम राम कर दो, राम राम दादी दादी। आ जाओ इधर आ जाओ। तो घर आ चुके हैं हम और ये लोग तो फिर खा रहे हैं अपनी मिठाई विठाई। तो मैंने कहा मैं फटाक से पार्क घूमने चले जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और आज मैं सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट करने नहीं गई थी, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। और अपनी दोस्त यहाँ पर मेरी दोस्त रहती है निशा, उसका वेट कर रही हूँ, थोड़ा वो आएगी फिर हम जाएंगे। धूप में यार आँखें ना ऐसे सी हो जाती हैं, मतलब अजीब सा हो जाता है, धूप में तो ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती है। तो चलते हैं पार्क में, एक घंटा वहाँ पर घूमते हैं फिर 7 बजे तक घर पर आते हैं। खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ी देर में जब वहाँ से आऊँगी तभी बनाऊँगी। निशा का वेट कर रही हूँ, निशा कब तक आती है देखते हैं। बोला तो है मैंने आ जा बहन जल्दी, क्योंकि 6 बज चुकी हैं और आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। मैंने ब्लॉगिंग सुबह से भी नहीं स्टार्ट की क्योंकि मेरे को ये था कि मैंने कल की ब्लॉगिंग की थी आधी, तो आज आधी मैंने अभी इवनिंग से की है। क्योंकि वही होता है यार, मॉर्निंग का क्या आपको, क्या कोई कंटेंट ही नहीं है, क्या आपको दिखाऊँ। वही उठो, खाना पीना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, यही चीज़ है और क्या दिखाएं अलग सा। तो चलो अब घूमते हैं, अपने दोस्तों से आपको मिलाऊंगी। अच्छा अभी आ गई है, बोल बोल तो ये भी आ गई। अच्छा बोल तो सही से ममता। अरे वो मत बोलना फिर, ऐसे चली लगने का सारा व्लॉग ही खराब कर दिया। इसको शर्म आ रही है। बाय गाइस, ये लेट आते हैं इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। आएगी नहीं कभी दोबारा, ये सुसु करने जा रही है। ये डालूंगी नहीं, ये नहीं डालेंगे यार, ऐसा बोलना लगता। तो ये चले गई है, कुछ काम है उसको जरूरी। कुछ काम नहीं था, सुसु सुसु करने जा रही है, थोड़ी देर में आएगी वो। तो ये लड़की आ गई है, कहाँ गई थी? पानी पीने, सुसु करने। चल छुट्टी, पानी पीने, पानी पी के फिर सुसु करने। इसने ज्यादा पानी पी लिया था, इसको सुसु लग गया। और मैं अभी लाइन में हूँ, मैं घर जाके करूँ। हाँ तो दोस्तों अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, पीछे आप देख रहे होंगे रोटी बन रही है मेरी, यहाँ पे रोटी बन रही है। और आज यहाँ पे मैंने गोभी और न्यूट्री की सब्जी बनाई है। तो चलो पहले रोटी बना लेते हैं। तो दोस्तों खाना पीना खा के एक मिनट पहले फोन, लो फोन सेट करती हूँ, यही हाल होता है। तो दोस्तों खाना पीना खा के हम लोग आ चुके हैं, लंच सॉरी हमारा डिनर हो चुका है। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा डिनर में आज हमने बनाया था घी की सब्जी और रोटी, बाकी कुछ हम बर्गर लेके आए थे जो मैंने आपको दिखाई दिया था वीडियो में। तो कुछ बर्गर लेके आए थे हम घर वालों के लिए भी, और हमने भी खाए वहाँ पे बर्गर। और जस्ट अभी मैं आई हूँ ऊपर अपने रूम में, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया क्योंकि मैं रात में पानी गर्म पानी पीती हूँ। रात में क्या, मैं तो गर्म पानी ही पीती हूँ, बहुत कम ही मैं ठंडा पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं अपनी आदत तोड़। फोन गिर गया, एक मिनट, इसका स्टैंड गलत लगा है। अरे यार यही तो दिक्कत है इन फोनों में। हाँ क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं अपनी डाइट खराब करूँ, मतलब अपना आदत खराब करूँ, डाइट क्या खराब करूँ, आदत खराब करूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे ग्रीन टी, तो मैं ये वाला ग्रीन टी यूज करती हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं ग्रीन टी पी रही हूँ अपना, क्योंकि थोड़ा सा हमने बाहर का फास्ट फूड खा लिया है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने खा लिया था बर्गर, तो इस वजह से ग्रीन टी पीना बनता है। वैसे मैं ग्रीन टी पीती हूँ, रोजाना ही पीती हूँ रात में सोने से पहले। पहले तो मैं 2-3 टाइम पीती थी, बट अभी मैं रात में ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मी का टाइम है और ग्रीन टी एक ही टाइम पीना है तो सही है, अदरवाइज कुछ नहीं।
बाकी दोस्तों, बाकी आप लोगों ने मेरी पूरी आज की ब्लॉग देख ही लिया होगा। मैंने मतलब बिल्कुल भी मन क्या यार, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट मैं आप लोगों को क्या दूं, क्योंकि घर बैठे कोई कंटेंट तो होता नहीं है। वही डेली का अपना रोजाना जो घर में काम होते हैं वही दिखावा। आप लोग भी बोर, मैं भी बोर, तो इस वजह से मैं बनाती भी नहीं हूँ। और काफी टाइम से तो मेरे ब्लॉग आ ही नहीं रहे, लगभग 1-1.5 महीना हो गया नहीं आ रहे ब्लॉग। तो अभी मैंने सोचा यार कि ऐसे अगर मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी तो मेरा चैनल जो ग्रो भी हो रहा था वो भी नीचे आ जाएगा, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ शॉर्ट्स डालूं या फिर थोड़ा बहुत वीडियो बना दूं। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो पाए वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए, बट जब कंटेंट मिलता है तब मैं वीडियो बना पाती हूँ। अदरवाइज फिर जैसे मैंने आपको बता दिया, घर की चीजें मैं आपको क्या ही दिखाऊं, आप लोग भी खुद बोर हो जाते हैं। तो अभी मेरी ग्रीन टी यहाँ पे उबल रही है और आज का व्लॉग, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। ज्यादा बड़ी मेरी वीडियो मुझे नहीं करनी है और बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगी। जैसे मैंने आपको अपने व्लॉग में बता दिया, शिवांश का मुंडन है बहुत जल्दी, 13 और 14 अप्रैल को उसका मुंडन है, मतलब 13 को कथा होगी घर में, 14 अप्रैल को उसका मुंडन है। तो उसका एक अलग सा व्लॉग आएगा जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगी व्लॉग बनाने का। वैसे भी घर के काम में आदमी बिजी रहता है, बट कोशिश पूरी करूंगी कि व्लॉग बनाऊं। बाकी आज का जो भी रहा आप लोगों ने देखा इवनिंग से मेरा, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। तो चलो बहुत जल्दी मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पे देखिए मेरी किचन है, छोटी सी प्लास्टिक में मैंने यहाँ पे उबालने को रखा है अपनी ग्रीन टी। तो मेरी ग्रीन टी उबल रही है, इसको पीती हूँ, उसके बाद सोते हैं और अपना मॉर्निंग में फिर वही अपना जो पहले का जो हमारा चलता आ रहा है, जो मेरी दिनचर्या है उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो बहुत जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। Yeah.